द लेजेंड ऑफ जेल्डा की रिलीज के बाद से ओपन वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन और मिक्स ऑफ एडवेंचर वाले गेम्स ने गेमिंग इंडस्ट्री में एक न्यू ट्विस्ट लाया है। मोबाइल पर द लेजेंड ऑफ जेल्डा जैसे कई गेम्स हैं, लेकिन ये बेस्ट द लेजेंड ऑफ जेल्डा जैसे मोबाइल गेम की लिस्ट को स्पेशली कंट्रोलर सपोर्ट वाले गेम्स के लिए तैयार किया गया है। इन बेस्ट गेम्स में आपको कॉम्बैट स्टाइल टॉप डाउन व्यू, फोर्ड वाइडिंग, ब्यूटीफुल 4D बिट 2D ग्राफिक्स से लेकर 3D गेम प्ले, फ्यूचरिस्टिक और साइबरपंक ईच वाइव एटमोसफेयर, डंजन पजल्स और क्वेस्ट, हार्ट्स, रिटल्स, मिस्ट्री एरिया, अनचार्टेड सी आइलैंड्स और काफी कुछ मिलेगा। प्लेयर्स के लिए फर्स्ट गेम है एडवेंचर ऑफ माना। ये एक एक्शन एडवेंचर रॉयल प्लेइंग गेम है जिसे स्क्वायर इनिक्स ने डेवलप किया है, जिसमें कॉम्बैट स्टाइल टॉप डाउन व्यू के साथ स्वॉर्ड वाइडिंग मींस तलवार चलाना शामिल है। गेम का वर्ल्ड भटकने और डंजन्स को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत बड़ा है। प्लेयर्स के हिट होने या अटैक करने पर गेज रिसेट हो जाता है। प्लेयर्स डिफरेंट NPCs के साथ होते हैं जिसमें डिफरेंट स्किल सेट्स होते हैं जिनका यूज प्लेयर्स डिफरेंट कॉम्बोज के लिए कर सकते हैं। प्लेयर्स के लिए सेकंड गेम है इवोलैंड। ये प्लेडिगीज की एक रिलीज है और इसके ग्राफिक्स और मैकेनिक्स में 4-bit 2D ग्राफिक्स से लेकर 3D गेम प्ले तक के डिफरेंट स्टाइल शामिल हैं। गेम का मैकेनिक्स द लेजेंड ऑफ जेल्डा और फाइनल फैंटेसी में पाए जाने वाले एक्शन टाइम बैटल्स में देखी गई एक्शन RPG स्टाइल का एक कॉम्बिनेशन है। गेम के वर्ल्ड का टेरेन NPCs से भरे डंजन्स, कैवर्न्स और विलेज से भरा हुआ है। स्टोरी मोड के लिए साइड क्वेस्ट प्लेयर्स को हिडन स्टार्स एंड कार्ड्स को खोजने की परमिशन देता है जो गेम के वर्ल्ड में बिखरे हुए हैं, जिनमें से बाद में फाइनल फैंटेसी 8 से ट्रिपल ट्रायड पर बेस्ड कलेक्टिबल कार्ड गेम में यूज किया जा सकता है। प्लेयर्स के लिए थर्ड गेम है हाइपर लाइट ड्रिफ्टर। ये एबिलाइट SL का एक एक्शन एडवेंचर RPG है। हालांकि इसकी आर्ट स्टाइल 16-bit क्लासिक से मिलती जुलती है, गेम मैकेनिक्स और एटमोसफेयर फ्यूचरिस्टिक और साइबरपंक ईच वाइव से कम नहीं है। आप गेम में खोई हुई टेक्नोलॉजीज और सिविलाइजेशन से भरे ब्यूटीफुल वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। गेम ओनली iOS यूजर्स के लिए अवेलेबल है और डेवलपर्स के अकॉर्डिंग ये कभी भी एंड्रॉइड पर नहीं आएगा। प्लेयर्स के लिए फोर्थ गेम है स्टोरी ऑफ बेथम फुल मून। ये क्रिस्टोवल माता की पजल्स और एक्सप्लोरेशन से भरा एक क्लासिक एक्शन RPG एडवेंचर है। ये अभी तक एक और ओपन वर्ल्ड है जो प्लेयर्स को अपने हार्ट्स कंटेंट पर लैंड्स को एक्सप्लोर करने की परमिशन देता है। डंजन्स, पजल्स और क्वेस्ट से भरे हुए हैं। गेम प्ले के 20 घंटे के अंदर स्टोरी मोड कम्प्लीट किया जा सकता है और प्लेयर्स इन गेम कॉस्ट्यूम्स और फ्रीली मॉन्स्टर से बैटल के लिए फ्री हैं। प्लेयर्स के लिए फिफ्थ गेम है ओशन हॉर्न। ये FDG मोबाइल गेम्स GVR का एक गेम है। गेम में आप हार्ट्स, रिडल्स, मिस्ट्री एरिया और अनचार्टेड सी आइलैंड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप मॉन्स्टर से लड़ सकते हैं, मैजिक सीख सकते हैं और एंशियंट आर्टिफैक्ट को अनकवर कर सकते हैं जो आपकी सर्च में हेल्प करेंगी। एंशियंट कंट्री आर्केडिया और सी मॉन्स्टर ओशन हॉर्न के सीक्रेट्स को सॉल्व करने के लिए आपको अपनी सभी टैलेंट्स और स्किल्स की जरूरत होगी। ओशन हॉर्न एक ह्यूज एक्शन एडवेंचर गेम है जो एक फैसिनेटिंग स्टोरी लाइन, ब्यूटीफुल 3D ग्राफिक्स और एक्सिलरेटिंग गेम प्ले को एक अनफॉरगेटेबल एक्शन एडवेंचर एक्सपीरियंस में मिक्स करता है। प्लेयर्स के लिए सिक्स्थ गेम है लेजेंड ऑफ द स्काईफिश जीरो। ये गेम कर्स एंड मून गेम्स के जरिए डेवलप किया गया है। ये एक यूनिक वेपन और इक्विपमेंट के साथ एक लवली एडवेंचर पजल गेम है। एक फिशिंग रॉड, मॉन्स्टर स्काईफिश से लड़ने के लिए लिटिल रेड हुक और मून वेल के क्वेस्ट पर उनको फॉलो करें। अपनी फिशिंग रॉड को ग्रैपलिंग हुक या ऐसा वेपन यूज करें और प्रोग्रेस करने पर इसे एनहेंस करें। लेजेंड ऑफ द स्काईफिश में ब्यूटीफुल हैंड पेंटेड ग्राफिक्स, सोफिस्टिकेटेड एक्शन पजल्स और एक्सोटिक एनिमीज आपका इंतजार कर रहे हैं। गीगानेटिक बॉसेस को डिस्ट्रॉय करें क्योंकि आप 45 हैंड क्राफ्टेड लेवल्स के वाइड रेंज को एक्सप्लोर करते हैं। प्लेयर्स के लिए सेवेंथ गेम है स्वर्डिगो। ये गेम डेव्स टच फू के जरिए बनाया गया है। आप डंजन्स, सिटीज, रिचेस और ईवल मॉन्स्टर से भरी एक मिस्टिकल वर्ल्ड में गोता लगाते हैं। गेम में आप एक्सपीरियंस गेन करके अपने कैरेक्टर्स की लेवल बढ़ा सकते हैं। आपको अपने ओपोनेंट्स को डिफीट करने के लिए पावरफुल वेपन्स, इक्विपमेंट्स और स्पेल्स फाइंड करने होंगे। ड्रामेटिक डायनेमिक लाइटिंग सिस्टम के जरिए जलाए गए डाइनी टनल्स और डंजन्स के जरिए से प्ले करें। प्लेयर्स के लिए 8th गेम है अरुणाज एडवेंचर। जेम्स स्वीनी का अरुणाज एडवेंचर आपको 1990s के दशक की शुरुआत के एक्शन एडवेंचर गेम्स में ले जाता है। इसमें एक्शन कॉम्बैट एंड एक्सप्लोरेशन पर फोकस के साथ एक वाइब्रेंट 8-bit पिक्सल आर्ट स्टाइल है। प्लेयर्स ब्लू हेड हीरोइन अरुणा को कंट्रोल करते हैं जो अपनी गार्डियन फेरी की हेल्प से डार्क लॉर्ड को कंट्रीसाइड में मॉन्स्टर से इन्फेक्टेड होने वाले लोगों को बचाने का अटेम्प्ट कर रही है। अरुणा वर्ल्ड को एक्सप्लोर करती है, एनिमी से लड़ती है, सीक्रेट्स को डिस्कवर करती है, डंजन्स को एक्सप्लोर करती है और बोसेस का सामना करती है। प्लेयर्स के लिए 9th गेम है YS Chronicles First। यह डॉट इमो की ओर से एक गेम है। YS में आप एक डेयरिंग यंग स्वॉर्डमैन एडोल क्रिस्टियन के रोल से प्ले करते हैं।
आप अपने आप को एस्टेरिया में एक मिस्ट्रिकल बीच पर पाते हैं, एक ऐसा देश जिसके शहर डिमोनिक मॉन्स्टर की आर्मी से घिरे हुए हैं। स्टोरी की शुरुआत में एस्टेरिया के लोग डीमन से लड़ने और रेलम को फ्री करने के लिए आप पर भरोसा कर रहे हैं। अपने एम को अचीव करने के लिए आपको 6 सीक्रेट बुक्स को लोकेट करना होगा, जो वाईएस की एंशिएंट लैंड की हिस्ट्री के साथ साथ पीस रिस्टोर करने के लिए एसेंशियल नॉलेज रखती है। एन्चेंटेड वेपन्स और आर्टिफैक्ट्स को डिस्कवर करने से आपको पूरे गेम में एक्सपीरियंस और स्ट्रेंथ अर्न करने में मदद मिलेगी। आप एक पावरफुल वॉरियर बने और अपने एनिमीज को डिफीट करें। प्लेयर्स के लिए 10th गेम है YS Chronicles 2nd। डोटीमू से YS Chronicles के अगले सीक्वल को आमतौर पर YS 2nd के रूप में जाना जाता है। Ancient YS Vanished the Final Chapter, जो एक gorgeous Japanese aesthetic environment में सेट एक हीरो फैंटेसी JRPG गेम है। डार्क फॉक्स से जूझने के बाद आपको एस एडोल आइलैंड के मिस्ट्रीज को अनकवर करने के लिए अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी होगी। YS की फैंटेसी सिटी को बुराई से रिलीज करने के लिए अपनी स्वॉर्ड स्किल्स का यूज करें, न्यू वेपन्स चलाएं और फर्स्ट टाइम मैजिक सीखें। आपको लैंड ऑफ डीमंस और अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर से होपलेसली से क्रिपल्ड होने की होप को अपॉइंट करना होगा। तो आपको द लेजेंड ऑफ जेल्डा जैसे ये 10 गेम्स कैसे लगे जो कंट्रोलर सपोर्टेड हैं, मुझे कमेंट्स में बताएं। इन सभी गेम्स के डाउनलोड लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसे आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपने टीममेट्स को ये ऑसम गेम्स बताने के लिए इस वीडियो को अपने टीममेट्स के साथ शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को करें लाइक और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट टाइम इन पार्ट 2।